गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस एस राय, लेक्चरर जीपीसी झुंझुनू। पिछले क्लास में हमने बैलेंसिंग ऑफ मासेस डिस्कस किया था, जो कि सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस किया था बाय सिंगल मास, और सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस किया था डबल रोटेटिंग मास से। आज हम पार्शियल प्राइमरी बैलेंसिंग जो आइस इंजन में होती है, पार्शियल प्राइमरी बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन, यानी कि सिंपल अपने पास क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म है, उस तरह से उसमें अपन बैलेंसिंग के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं जो डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी या डायनेमिक्स ऑफ रोटेटिंग मासेस डिस्कस किया था, तो उसमें हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा प्लस कोस टू थीटा अपॉन एन। ये अपने पास फोर्स है, पिस्टन पर लगने वाला बल है, क्योंकि पिस्टन पर अपने डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाला था, तो उसमें अपने पास ये आया था मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो पिस्टन का जो एक्सीलरेशन है वो है ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा प्लस कोस टू थीटा अपॉन एन, जहाँ पर आर है क्रैंक रेडियस है, ओमेगा जो अपने पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक है, थीटा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रैंक फ्रॉम आईडीसी, जैसे कि यहाँ डायग्राम दिखाया गया है, तो थीटा ये है फ्रॉम इनर डेड सेंटर पोजिशन से, यहाँ से है इसकी पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको हम एफ बराबर लिखेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं कोस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस टू थीटा अपॉन एन, जो इस टर्म को हम कहेंगे प्राइमरी फोर्स एफ पी, और ये अपने पास सेकेंडरी है फोर्स एफ एस सेकेंडरी फोर्स। हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है पार्शियल प्राइमरी बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन। अब यहाँ सिंपल डायग्राम देखो, पिस्टन के ऊपर जो बल लगता है एफ पी प्राइमरी फोर्स, प्राइमरी बैलेंसिंग फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, जो कि हमने बताया है। अब ये यहाँ पर एक्शन है, तो जो फ्रेम है अपने इंजन की फ्रेम है, या यूँ कहें कि क्रैंक शाफ्ट है, न्यूटन के तीसरे नियम से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, वही एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, एंड दैट कॉजेज अनबैलेंस्ड ऑफ द सिस्टम। पिस्टन के ऊपर जो बल लगेगा अपने निकाल चुके हैं प्राइमरी फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, तो ये अपोज करेगा फ्रेम ऑफ द इंजन या क्रैंक शाफ्ट के ऊपर अपोजिट में लगेगा इसका एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। हम इसी को बैलेंसिंग करना चाहेंगे, इस फोर्स को ही बैलेंस करना चाहेंगे। अब दूसरे फिगर में देखिए, अब स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, ये तो फोर्स दिखा दिया है एम आर ओमेगा कोस थीटा। अब क्रैंक पिन के ऊपर, ये क्रैंक पिन है, जैसे वो डायग्राम देख लीजिए, ये अपने पास क्रैंक है और ये कनेक्टिंग रोड है, और ये जो पिन पॉइंट दे रखा है वो क्या है, क्रैंक पिन है। क्रैंक पिन के ऊपर अपन मास एम मान के चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग मासेज है, तो जब अपने पास रोटेट करेगी क्रैंक या इंजन चलेगा, उस केस में बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो ओमेगा अपने पास वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है क्रैंक की, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है एम आर ओमेगा स्क्वायर। जैसे स्टार्टिंग में हमने सिंगल मास को बैलेंस किया था, मान लीजिए अपने पास बैलेंसिंग मास बी है और बी दूरी पर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, बी बी ओमेगा स्क्वायर। तो इस केस में अपने पास बैलेंस हो जाएगा, बैलेंसिंग कंडीशन क्या लिखेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बी बी ओमेगा स्क्वायर।
तो इसमें ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, और सॉल्व करने पर अपने पास क्या बचेगा, बी स्मॉल बी इक्वल टू एम आर, ये सिंपल केस है। तो इस तरह ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन अपने पास प्राइमरी फोर्स अनबैलेंस्ड है यहाँ पर एम आर ओमेगा कॉस थीटा। अब अपने पास जो बैलेंसिंग मास है जो लगाया है, मान लीजिए उसके दो घटक हैं, इसके बी और स्मॉल बी ओमेगा स्क्वायर, जब एंगल अपने पास ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा, सॉरी ये अपने पास थीटा होगा, और कैसा एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक्स में जो एंगल बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये अपने पास थीटा के साथ ये इसका तो घटक कौन सा, कोस वाला है, यानी कि बी बी ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, और ये अपने पास जो घटक दे रखा है वो साइन वाला है, बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि जिस साइड के साथ एंगल होता है वो कोस वाला होता है, उसके अपोजिट वाला साइन वाला घटक होता है। ठीक है, इस तरह अपने जो मास लगाया है, अब ध्यान दो, इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, और इस साइड में अपने पास बी और स्मॉल बी ओमेगा कोस थीटा, तो ये दोनों बैलेंस हो गए, प्राइमरी फोर्स को बैलेंस कर दिया, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। लेकिन अपने पास एक फोर्स ये बच गया वर्टिकल, बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, अनबैलेंस हो गया, यानी कि पहले वाला जो अपने पास प्राइमरी फोर्स था इस तरह से, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ स्ट्रोक, जैसे स्ट्रोक पिस्टन का स्ट्रोक है, उसके अलोंग था, लेकिन अब उसके परपेंडिकुलर रह गया, यानी कि प्रॉब्लम तो फिर वहीं की वहीं रहेगी। पहले जो अनबैलेंस फोर्स था अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक था, और अब हो गया अलोंग परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ स्ट्रोक, यानी कि अब ये आ गया, पहले इस तरह से था अब ये हो गया, तो प्रॉब्लम तो रिमूव नहीं हुई। पहले यानी कि उसकी डायरेक्शन बदल गई, पहले उसके अलोंग था पिस्टन के मूवमेंट के अलोंग या लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग था, अब उसके परपेंडिकुलर हो गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। तो हम एक स्थिति में पहुंचते हैं, एक कंप्रोमाइज़ करते हैं कि कुछ हद तक ही बैलेंस कर पाते हैं फोर्स को, जो अपने पास रेसिप्रोकेटिंग वाला उसको कुछ हद तक ही बैलेंस करते हैं। तो जैसा कि एज ए कंप्रोमाइज़, ये फ्रैक्शन ऑफ सी, कुछ थोड़ा सा फ्रैक्शन सी, यानी कि हो सकता है कि आधा हो या थ्री फोर्थ हो, ये फ्रैक्शन उसके बीच में, ये फ्रैक्शन ऑफ सी ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स इज बैलेंस्ड सच दैट बी बी इंटू सी एम आर, यानी कि अपने पास जो रेसिप्रोकल मास है उसका कुछ फ्रैक्शन ही बैलेंस कर सकते हैं। और किस तरह माना है कि b, जैसे कि हम पहले कंप्लीटली लिए थे bb इक्वल टू सी एम आर, जहाँ पर r क्या है, क्रैंक रेडियस है, और m क्या है, मास ऑफ रेसिप्रोकल पार्ट्स, और यहाँ पर b क्या है, बैलेंसिंग मास है, और कितनी दूरी पर है, स्मॉल b पर है। तो ये अपन इसमें कंप्रोमाइज़ पर पहुँचे कि अपने इतने को बैलेंस कर सकते हैं, इतने वाले कोई वही पार्शियली, और तभी कहा है कि पार्शियली बैलेंसिंग, पार्शियली प्राइमरी बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, यानी प्राइमरी फोर्स को हम पार्शियली ही बैलेंसिंग कर सकते हैं। अब देखो जो लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग है फोर्स अनबैलेंस्ड, जिसमें स्क्वायर रूट लिखा है हॉरिजॉन्टली है, यानी कि लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग है यू, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, और माइनस ये हो जाएगा बी बी ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, जैसा कि यहाँ लिखा है अनबैलेंस्ड फोर्स अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक, लाइन ऑफ इसकी लाइन ऑफ स्ट्रोक है, उसके अलोंग जो बचेगा फोर्स कितना रहेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा माइनस बी बी ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, आगे एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा और माइनस बी बी की जगह रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, जैसे कि अपन पहले मान चुके हैं। अब इनमें से एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, और आगे क्या रह जाएगा, वन माइनस सी, तो वन माइनस सी इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा इक्वेशन वन। ये अपने पास अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये वाला अनबैलेंस्ड फोर्स है अलोंग लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ स्ट्रोक। इस तरह से अपने पास वर्टिकल में जो फोर्स है, वर्टिकल
या परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ स्ट्रोक। अनबैलेंस्ड फोर्स परपेंडिकुलर का मैं निशान बना दिया यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ स्ट्रोक क्या है ये अपने पास दे रखा है, बी बी ओमेगा स्क्वायर, बी बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और बी बी की जगह सब्सिट्यूट कर दिया सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, इक्वेशन टू। तो अपने पास दो फोर्स आ गए, एक तो अपने पास ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो दोनों का परिणाम ही रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण पर जो रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स होगा किस तरह का होगा, यानी कि अपने पास इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। तो अपने पास यू इक्वल टू क्या लिखा है, अपने पास जो देर का लाइन अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग उसका होल स्क्वायर पूरा कंप्लीट कर दिया, और दूसरा अपने पास परपेंडिकुलर लाइन ऑफ स्ट्रोक फोर्स का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये अपने पास क्या आ गया, रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स एट एनी इंस्टेंट, अपने पास ये रिजल्ट आ चुका है। यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें थीटा के रेस्पेक्ट में तो मैक्सिमम मान मिल जाएगा अपने को, अनबैलेंस फोर्स लिखा नहीं जरूरत नहीं है करने की, तो यू इक्वल टू यू मैक्स और किसके पे आएगा, सी इक्वल टू हाफ पे आएगा, और इस तरह से हम यू को निकाल सकते हैं, यू कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, थैंक यू।